यूपी के हसनपुर में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को मनाते हुए उनकी उपलब्धियों का व्याख्यान किया गया। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष तारिक मोहम्मद के आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई तथा कांग्रेसियों के द्वारा 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अफसर अली खान ने राजीव गांधी के ऊपर शेर पढ़ते हुए कहा कि वह दोस्ती पयंबर विक्रे दौरा था, जहान भर जिसको कहता है राजीव गांधी अपने दौर का सबसे अजीब इंसान था। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में अनेकों योजनाएं चलाकर गरीबों को रोजगार देने का काम किया था। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का सपना था कि भारत पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर देश हो। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में देश बुलंदी पर पहुंच रहा था। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को बताया गया। इस अवसर पर नगर अध्यक्ष विनोद कुमार सक्सेना, तारिक मोहम्मद खां, अफसर अली खां, नवाब अली खां, पप्पू खां, पवन अग्रवाल, अनुराग शर्मा, जयपाल सिंह सहित भारी संख्या में कांग्रेसी उपस्थित रहे। हसनपुर से SPN के लिए चांद अंसारी की रिपोर्ट। विदेशों तक में बात कर पाते हैं ये सब राजीव जी की देन है। उसी के बाद में एक क्रांति आई और इस क्रांति ने जो है इस देश को बहुत उन्नति महसूस करी और आज भी उनके गुणगान इसी बात के लिए गाए जाते हैं कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक युग में बहुत बड़ा काम किया। राजीव जी ने इस देश के लिए और भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिससे हम सब लोग उन्हें याद रख सकते हैं। आज हम उनकी पुण्यतिथि इसलिए मना रहे हैं कि उन्होंने जो है हमारे देश को बहुत कुछ दिया है और उन्हीं की देन है कि जो आज हम लोग हर तरीके से संपन्न और सुखी हैं। भले ही मोदी जी इस बात के लिए कहते फिर हैं, लेकिन मोदी जी ने 4 साल के अंदर कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है जो जनता में गिनाया जा सके। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसने देश को आज़ादी दिलाई और आज तक वो उसको कायम रखे हुए है और हमेशा देश में एकता और अखंडता की बात इंदिरा जी ने की थी और वही बात राजीव जी ने की थी। धन्यवाद। जय जय भारत। पंचायत राज कायम हुआ जिससे देहातों के अंदर एक नई क्रांति आई और उस क्रांति का लोगों ने बहुत फायदा उठाया। बहरहाल अगर उनके जमाने के काम गिनाऊं, जितने राजीव जी के जमाने में हुए हैं ये विकास और जितनी तरक्की की तरफ हमारे देश को वो ले गए हैं, इतना आज की जो सरकार है जिस तरह ढंडोरा पीट रही है वो सिर्फ ये वो वाली बात है कि 10 गज नापें और 1 गज फाड़ें, यानी तमाम वायदे झूठे साबित हो रहे हैं जो उन्होंने कहा था इस मौजूदा सरकार ने कि हम हर साल के अंदर 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, वो भी सब झूठा निकला। बहरहाल किसी तरीके से भी वो ये फेल हैं। लेकिन जो राजीव जी के ज़माने के अंदर कांग्रेस की सरकार ने जो ऐलान किया आपके ज़माने में उसको उन्होंने पूरा करके दिखाया और उससे देश को काफ़ी तरक्की मिली, देश हमारा आगे बढ़ा। इसलिए हालांकि बहुत सी बातें उनके बारे में मैं याद दिला सकता हूं और लेकिन क्योंकि वक्त कम है और मैं यही कहते हुए कि आज राजीव गांधी जैसा महान प्रधानमंत्री जो हमारे देश में हुआ, जिसने देश को आगे बढ़ाया, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।